किसानों के विभिन्न समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को कैसे मिले, इसकी जन जागरूकता और किसानों से संपर्क बनाने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस ने जिला अधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से अनुमति मांगा। इस अवसर पर तौकीर आलम, जयप्रकाश चतुर्वेदी, तारिक सईद, गणेश मिश्र, राजीव कुमार सिंह, परवेज अख्तर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने कहा, आज भी आप जा करके देख लीजिए, पूरे बस्ती मंडल में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, गोरखपुर में, हर जगह चीनी मिलों का जो हाल है कि वो पैसा बकाया रखी हुई हैं, पर्चियां नहीं दे रही हैं, मिलें बंद हो चुकी हैं। सरकार ने इतने सारे पैसों का दुरुपयोग किया है और मिल मालिक जो पैसा उन्होंने कमाया है उससे वो अपना पावर प्रोजेक्ट बना करके भागने में वो लोग कामयाब हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के पूरे पूर्वांचल में प्रदेश व्यापक एक धरना प्रदर्शन, एक रैली की तरह से हम लोग करना चाहते हैं। उसी के सिलसिले में हम लोगों ने आके ज्ञापन डीएम साहब को दिया है।